मानसून से पहले ऑनलाइन ठगों के निशाने पर अब किसान आ गए हैं। जोधपुर के तिवरी में कुछ बदमाश किसान मोदी सरकार की स्कीम बताते हुए आधे दाम में नया ट्रैक्टर देने का झांसा दे रहे हैं, जो फर्जी योजना बनाकर प्रचारित भी कर रहे हैं। वहीं इसकी पूछताछ करने के लिए किसान कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं तो कई फोन पर भी जानकारी ले रहे हैं। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इन फोन कॉल्स से परेशान है। कृषि विभाग ने किसानों को चेताया कि ऐसी कोई योजना केंद्र व राज्य सरकार की नहीं है, किसी के झांसे में न आए, वरना ठग आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवरी करने के नाम पर पैसे हड़प लेंगे। कृषि विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने वाली खबर फर्जी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 नाम से किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। ठग उसे इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे सरकार की योजना हो। उसमें बताया जा रहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। जा रहा है कि लोग हैं जो साइबर ठगी का शिकार होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की हो या शहरी क्षेत्रों की हो, जो ठग है वो उनको कॉल कर उनसे सीवीसी नंबर हो चाहे बैंक डिटेल हो, ओटीपी मांगकर उनके खातों से मोटी रकम साफ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब जो शातिर है, उन्होंने जो किसान हैं उनको अपना निशाना बनाते हुए एक नया प्रयोजन किया है कि उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 नाम से योजना है, जिसका बाकायदा गूगल के ऊपर पूरा एक तरीके से ब्लॉग बनाया गया है, किसानों को पूरी उसके ऊपर जानकारी दी गई। सबसे बड़ी बात ये दावा करते हैं कि जो किसान हैं उनको जो भी कंपनी का वो ट्रैक्टर खरीदेंगे उसके अंदर 50% तक की राशि है जो ये सरकार देगी, सरकार वहन करेगी। लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता जानी, अधिकारियों से बात की, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से है। जो आप देख पा रहे हैं ये गूगल पे जब अपन सर्च करते हैं प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020, इसका पूरा अलग से ब्लॉग आता है। ये साइट यहाँ विस्तृत तौर से खोली गई, आप पढ़ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 यहाँ बताया गया है। इसके अंदर पूरा ये एक तरीके से पूरा बायोडाटा इसके अंदर दिया गया है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चालू की गई है। लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता जानी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग लुभावने बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो लगातार भ्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना इसका नाम है, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों तक ट्रैक्टर पहुँचाना है। देश का हर एक किसान इसका लाभार्थी होगा। इसके जो आवेदन हैं वो विभाग के या तो ऑनलाइन करेंगे या दफ्तर में जाके करेंगे। सबसे बड़ी बात, इसकी जो सब्सिडी है वो सीधे आपके बैंक खाते के अंदर आएगी। यहाँ किसानों के जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उनके अंदर चाहे बैंक की पासबुक हो, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बताया गया है, मोबाइल नंबर हो, चाहे पासपोर्ट साइज फोटो हो, जमीन के दस्तावेज हो, ये सारे दस्तावेज यहाँ से लिए जा रहे हैं। और इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो योजना है वो तेजी से लोगों के जबान पर, आप देख पा रहे हैं प्रत्येक राज्य का यहाँ हवाला दिया गया है, इसमें राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है, और बताया गया कि ऑफलाइन इसके आवेदन किए जाएंगे। जब हमने इस विषय को लेके विभाग के अधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी इसको नकारा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आए दिन हमारे यहाँ भी इन दिनों सैकड़ों की संख्या में फोन आ रहे हैं, जो लोग हैं वो क्वारी के लिए दफ्तर पर आ रहे हैं। कि मित्र संचालकों से हमने बात की तो उनका भी कहना है कि लगातार जो लोग आ रहे हैं, लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ऐसी स्कीम कोई है या नहीं। जब एवन टीवी ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया ऐसी कोई स्कीम नहीं है, यह एक तरीके से फ्रॉड है। सरकार की इसके ऊपर एक्शन लेने में अब लगातार है, जो कदम बढ़ा रही है। ऐसे में एवन टीवी भी सभी किसानों से अपील करता है कि इस प्रकार की जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं, जैसी भी कोई योजना हो उसकी सरकारी विभाग में जाके पुष्टि करें। अभी ये देखें तो बहुत वृहद स्तर पर इसकी वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है, गूगल पे यदि बात करें यूट्यूब पे इसके वीडियो अपलोड किए गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये किसी प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। एवन टीवी भी आपसे अपील करता है कि ऐसी योजनाओं के झांसे में ना आए, जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके झांसे में ना आए और अपने आप को सुरक्षित करें। कैमरामैन अकबर के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, एवन टीवी, जोधपुर।